नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटानी। हम इस समय खड़े हुए हैं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास स्थित कब्रिस्तान में, जहां एक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र मलई गांव से मिली बालिका, नवजात बालिका को सुपुर्दे खाक किया जाएगा अभी थोड़ी देर में। सभी समाज के लोग यहां उपस्थित हैं। इस समय करुणामयी सोसाइटी जो पलवल की है, अभी हाल ही में घटित है लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करती है। आज उसी के हवा सौजन्य से, उसी के जरिए ये नेक कार्य किया जा रहा है। हमारे बीच में मुस्लिम समाज के गणमान्य लोग हैं, सभी की मौजूदगी में उस अज्ञात नवजात बालिका का सुपुर्द खाक किया जाएगा, जिसकी कोई पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। तो रणवीर चौहान जी, आप कोई बात नहीं, आप ये चलते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़िए। ये जो शव है, नवजात शव जो मिला है, सुबह मिला आपको, आपके पास कब सूचना मिली आपकी? ये हमें करीब एक बजे के करीब पुलिस का फोन आया बहिन थाने से, क्योंकि ऐसे ऐसे मिली है, एक नवजात बच्ची मिली है, मुस्लिम बाहुल एरिया में मिली है। और आप हम करुणा में सोसाइटी में पहले विधिवत तरीका से अंतिम संस्कार करते आए हैं लावारिस लाशों का। तो हम जैसे ही वहाँ मोर्चरी में पहुँचे, वो पुलिस वाले मिले, तो वहाँ पे हमारे दो तीन साथी थे जो मंगन कम्युनिटी से थे हमारे भाई। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे बाहुल एरिया से मिली है, हो सकता है ये हमारी किसी नालायक का काम हो, तो अगर हो सके तो इसे सुपुर्द खाक कब्रगाह में करा दीजिए। तो हमने फिर वहाँ पे साथ के साथ अपने यूनिट हमारे साथी है जो उनको कॉल किया, उनको इन्फॉर्मेशन दी, भाई आपकी बिरादरी से आपके धर्म से है शायद, तो अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग करो या हम कर देंगे, और इसका विधिवत तरीका से जो भी है मिट्टी देनी है इसको। तो फिर उन्होंने कहा जी ठीक है, हम इसीलिए यहाँ पे कब्रगाह में आए हुए हैं, इनको विधिवत तरीका से इसका मिट्टी दे सकते हैं। ठीक है, ये थे रणवीर चौहान जी जो करुणामयी सोसाइटी से जुड़े हुए। हम भी अभी कब्रिस्तान के अंदर प्रवेश करेंगे, जहां उस अज्ञात बालिका का संस्कार किया जाएगा, सुपुर्द खाक किया जाएगा। ये देखिए, ये है कब्रिस्तान, पलवल का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। यहां हर साल ईद के अवसर पर ये बहुत बड़ा कार्यक्रम भी होता है, ईद मनाई जाती है, पूरे शहर के लोग यहाँ पर जुड़ते हैं, मुस्लिम समाज के और हिंदू समाज के भी, सभी मिलजुल कर यहाँ पर एकत्रित होते हैं। और बहुत ही अच्छी सोच है करुणामयी सोसाइटी पलवल की, जिसने आज इस नेक कार्य को किया, क्योंकि ये जघन्य कार्य तो उन लोगों ने किया जिन्होंने इस बच्ची को छोड़ा यहाँ पर झाड़ियों में। हाँ जी, तो हमारा ये कहना है इस माध्यम से, लाइव माध्यम से, कि ये जो बालिका है नवजात, 5 या 6 घंटे की होगी, किसी क्रूर इंसान के द्वारा ये फेंकी गई हो। वो माँ भी हो सकती है कलयुगी माँ, जो अपनी नवजात बालिका को झाड़ियों में फेंक कर चली गई। ये देखिए, हम करीब पहुँचते जा रहे हैं उस जगह पर जहाँ उस बालिका को सुपुर्द खाक किया जा रहा है करुणामयी सोसाइटी के द्वारा और मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा। भले ही पहचान नहीं हुई है इस नवजात बालिका की, लेकिन चूँकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से मिली है, मलई गांव से, उस झाड़ियों से, तो इसलिए इसका सुपुर्द खाक किया जा रहा है। ये देखिए नन्ही बालिका, ये नवजात बालिका का जो कपड़े में लिपटा हुआ शव है, मात्र 5 या 6 घंटे की रही होगी, यानी उसने इस संसार में जन्म तो लिया लेकिन 5 या 6 घंटे जीवित रही, उसके बाद काल के क्रूर हाथों से वो इस जहाँ से विदा हो गई, या तो उसकी माँ ने या उसके पिता ने यहाँ फेंका होगा, कुछ भी कारण हो सकता है। है ये हैवानियत का काम, लेकिन इंसानियत का काम किया है करुणामयी सोसाइटी ने। कब्रिस्तान को कब्रिस्तान ही शब्द है उर्दू का, ये उर्दू का शब्द ना।
जो कब्र का स्थान होता है इंग्लिश में, वह कुछ भी कहते हो, शमशान घाट को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हमारे बीच में है मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष हाजी यूनुस अहमद जी। यूनुस जी, एक बात बताइएगा, अब ये सुपुर्द खाक होगी ये बालिका, इसके बाद का क्या वो रहेगा कि क्या, जैसे हिंदू धर्म में तीसरे दिन फूल चुनने के लिए जाते हैं, अस्थि चुनने के लिए जाते हैं, मुस्लिम समाज का क्या तरीका होता है? मुस्लिम समाज में तो असल में क्या है कि इसको दिला दिला के और कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर देते हैं और वहीं जो भी दरूद शरीफ अलहम्दुलिल्लाह या जिसमें जो भी कुछ आता हो पढ़ के अपने उसे चला जाता है। और जो जिस जो लावारिस ना हो उसका हमारे समाज के अंदर 3 दिन का शोक होता है उनका, जिसको तीजा बोलते हैं। अच्छा, बाकी अभी लावारिस है इसका तो बेचारे का क्या। तो जब सुपुर्द खाक किया जाता है जो जिसको भी किया जाता है, तो तीसरे दिन तीजा जब होता है तो यहाँ वो परिवार के लोग आते हैं? ना, आता कोई नहीं है। अच्छा, वैसे एक शोक के तौर पे जो मनाया जाता है वो 3 दिन का शोक होता है जिसको तीजा बोलते हैं। 3 दिन का मतलब 3 दिन बैठे हैं हमारे। तो ये जो कब्रिस्तान पलवल में जो है मुस्लिम समाज का, यही एकमात्र स्थान है या और भी हैं? देखो, हमारा तो एक ही स्थान है यहाँ पलवल में कब्रिस्तान, लेकिन जोगियों का एक कब्रिस्तान और है इधर। अच्छा, मिशन स्कूल के पास में 2 कब्रिस्तान है चालू। पुराने टाइम के तो काफ़ी कब्रिस्तान भी थे, मस्जिदें भी काफ़ी थी 1947 से पहले, लेकिन आज यही चालू कब्रिस्तान है। ये कुल टोटल कितनी जगह होगी ये कब्रिस्तान की, जो जहाँ पर खड़े हम? ये दोनों चीज़ें ईदगाह कब्रिस्तान दोनों हैं, इसके उधर उधर ईदगाह है। अच्छा, यहाँ बाउंड्री का है ना, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वो ईदगाह उसके इधर इधर का कब्रिस्तान है। तो ये ज़्यादा होगा हमारा 1000 गज का एरिया होगा कब्रिस्तान का। अच्छा, तो ये चारों तरफ 4 दीवारी, पहले 4 दीवारी थी यहाँ पर बाउंड्री वाल? पहले हमने इसकी 4 दीवारी की है, दोबारा भी इसका हम पैसा लेना चाह रहे हैं सरकार से, अपने पास से लगाएंगे सोसाइटी से, इसकी ऊंची ऊंची बाउंड्री करेंगे हम और यहाँ पेड़ पौधे भी लगाएंगे, क्योंकि कब्रिस्तान के अंदर ज़्यादातर पौधे ही होते हैं। और ईदगाह की भी हमने अभी मीनारें बनाई है वहाँ, इससे बड़ा गेट लगाएंगे इधर। तो आपके पास जो जब नमाज पढ़ते हैं ईद, ईद के अवसर पर 2 ईद आती है, एक बकरीद, दूसरी, दो ईद का नाम बताइएगा। एक तो है ईद उल फितर, एक है दूसरी बकरीद। हाँ, कभी कभी हमने ये भी देखा कि जब ईद का अवसर होता है तो बरसात का मौसम भी होता है, उस दौरान बरसात आ जाती, तो बड़ा आपके पास कोई हॉल नहीं है जिसमें नमाज पढ़ी जा सके। और सबसे बड़ी बात, जो कार्यक्रम होता है आपका सभी, क्योंकि पूरा समूह होता है, 4-5 हज़ार करीब लोग होते हैं उस दौरान मेरे ख्याल से। असल में क्या, मैं तो बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि जो हमारा इलाका है ना, ये ब्रिज का इलाका है, यहाँ हिंदू मुस्लिम हमारे अंदर जितना प्यार है, हमने पिछली बार हमारे ईद के दिन बरसात हो गई थी, तो बरसात में सेठ ये चुनीलाल धर्मशाला ना, जेठानंद, हमने कथूरिया से बात की तो उन्होंने जेठानंद धर्मशाला में हमें जगह दी थी नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा, हमने उनका बेसमेंट और ऊपर वहीं पर नमाज पढ़ी थी। 5 या 6 साल पहले की बात बता रहे हैं आप शायद? ये 4 साल पहले की। 4 साल पहले, 4 साल पहले बरसात हुई थी, बरसात के टाइम पे हमने इसके अंदर नमाज अदा की थी। वही तो मैं पूछना चाह रहा था कि अगर ऐसी घटना हो जाती है उस दौरान तो बड़ी दिक्कत आती है, तो आपका अपना स्थान इसको कवर भी किया जा सकता है जिस पे आप खड़े हैं? इसमें असल में क्या है कि जो कब्रिस्तान के अंदर तो हमारी नमाज होती नहीं है। अच्छा, जनाजे की नमाज भी हम कब्रिस्तान के अंदर नहीं पढ़ सकते। ईद का कार्यक्रम तो होता है यहाँ पर? नहीं, हमने ईदगाह अलग से बना रखी है ना। अच्छा, हाँ, तो ईदगाह हमारी बराबर में ईदगाह है, बराबर में ईदगाह है, उसको टीन शेड से ढककर छत को कवर किया जा सकता है, हमारी प्लानिंग में है। अभी हमारा मुस्लिम मुसाफिर खाने का काम चल रहा है जो पूरे हरियाणा के अंदर पलवल के अंदर ही है, मुस्लिम मुसाफिर खाना, तो उसका हमारा काम कम्प्लीट हो जाए, उसके बाद फिर हम यहाँ शेड भी बनाएंगे। मुस्लिम मुसाफिर खाना घनी आबादी में तो है, उसी की बात कर रहे हैं ना? नहीं, रसूलपुर रोड पे हमने मुस्लिम मुसाफिर खाना जो बनाया है। घनी आबादी में, उसमें शायद पार्किंग वार्किंग की भी बड़ी दिक्कत है लोगों को, अगर आपका कोई बड़ा कार्यक्रम अगर होता है ना जैसे, तो होगा क्योंकि अभी तो बन रहा है कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि हर समाज के पास धर्मशालाएं थी, हमारे मुस्लिम समाज के पास कोई धर्मशाला नहीं थी। अब हमारी जो धर्मशाला रसूलपुर रोड पर बनी है पूरे हरियाणा के अंदर पहली धर्मशाला है जो मुस्लिम मुसाफिर खाना बनाया है, उसमें हमने कमरे भी बनाए हैं। असल में कोई भी समाज का आएगा, ठहरता है वहाँ तो वो रुक सकता है उसे। अच्छा, उसके अंदर हम नीचे बेसमेंट में
वृद्धाश्रम का भी चलाएंगे। ये जो मुसाफिर खाना बन रहा है आपका, उसके लिए दान जो डोनेशन है सरकार ने दी है? हमने सरकार से भी लिया, शहर से भी हमें काफ़ी पैसा मिला, हिंदू समाज से 1-1 लाख 1.25 लाख की पर्ची कटी है, पैसा मिला है हमें। इस सरकार से नहीं मिला, बीजेपी सरकार में हमारा कोई कार्य नहीं हुआ और हम भी इसलिए अपने शांत बैठे हैं। बाकी अब काम शुरू करेंगे, अपने झोला उठाएंगे और बाकी जो हमारे यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुछ नगर सेठ हैं, कुछ और लोग हैं, वो हमें कोऑपरेट करते हैं। चलिए, ये हमारे बीच थे हाजी यूनुस अहमद, जो कि मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और अब देखते हैं कि जो सुपुर्दे खाक किया जाना, उस पर कार्य चल रहा है, खुदाई हो रही है फावड़े से, कुछ लोग उसको कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इस समय लाइव, एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मलई गांव से एक बालिका मिली है, नवजात बालिका, 5-6 घंटे जीवित रही है केवल। उसको जो उसके पेरेंट्स होंगे या कोई भी कारण हो सकता है, वो झाड़ियों में फेंक कर चले गए थे। उसके बाद पुलिस पलवल की मोर्चरी में उसकी पोस्टमार्टम के लिए लेकर आई थी। पोस्टमार्टम के बाद करुणामय सोसाइटी, जो लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करती है, उसको ये नवजात बालिका का शव सुपुर्द किया कर दिया गया। अब करुणामय सोसाइटी के सभी सेवादार कार्यकर्ता उस बालिका को सुपुर्द खाक करने के लिए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास स्थित कब्रिस्तान में एकत्रित हैं। आप देख रहे हैं लाइव, बड़ा ही घिनौना कार्य किया है उन लोगों ने, जिन्होंने उस बालिका को काल के क्रूर पंजे में कस दिया। उसको जीवित रहने का अधिकार था, लेकिन जो करुणा है, वो करुणा मर चुकी थी उसके अंदर, उस माँ बाप के अंदर। उस बालिका को शव को झाड़ियों में फेंक दिया। ये देखिए, ये गड्ढा खोदा जा रहा है, उसमें सहसम्मान विधिवत पूर्वक जो मुस्लिम रीति रिवाज होता है उसके अनुसार सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुस्लिम समाज के काफ़ी लोग, गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस समय। हम आपको भी एक बार फिर से बता दें, करुणामय सोसाइटी ने एक अपील की है, क्योंकि वैसे तो ये बड़ा घिनौना कार्य है, दर्दनाक हादसा है, ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। बच्चे को जन्म लेने के बाद उसको जीने का हक होता है, वो उसका हक नहीं छीनना चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा पालने की स्थिति में नहीं हो और बच्चे को मारते हैं, वो बच्चे को कृपया ना मारें, करुणामय सोसाइटी के लोगों से संपर्क करें, वो आपके बच्चे को, उस बच्चे को अवश्य गोद ले लेंगे जिसको आप वो लोग पाल नहीं सकते हैं। आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम ममुद्दीन। ममुद्दीन जी, आप जो ये कह रहे हैं कि इस काम को डॉक्टर लोग कर रहे हैं, सरकार करवा रही है, जगह पता, सरकार को सब कुछ पता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी की हत्या की जा रही है, सरकार कर रही है इस काम समझे। नहीं, इसमें सरकार का तो कोई सीधा सीधा हस्तक्षेप नहीं है ना? सरकार इतने बड़े बड़े डॉक्टर पैसे ले लेके काम कर रहे हैं, बात अंदर काम क्या है डॉक्टरों का, ये पैसा ले लेके बदली कराते हैं, ये बच्चा गिराते हैं, क्या काम कर रहे हैं। बहुत गंभीर बात की है महमुद्दीन जी ने, उनका कहना है कि डॉक्टर ही बदली कराते हैं वहाँ मेवात में पैसे दे देकर। हालांकि उनके आरोप में कितनी सच्चाई है ये तो वो जानते हैं, लेकिन उन्होंने आरोप जो लगाया उस पर वो बेहद संजीदा है। ये देखिए, कब्रिस्तान के बाहर और जीटी रोड के पास और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एन मुहाने पर एक गंदा पानी जमा है। इस समय गंदे पानी से मच्छर पनपते हैं,
बीमारियां फैलती हैं, बदबू भी होती है, परंतु आप देख रहे हैं ये पानी जमा है और इसमें मच्छर भी काफ़ी पैदा हुए पड़े हैं। आपको बता दें साफ पानी में मच्छर से डेंगू फैलता है, गंदे पानी के मच्छर से मलेरिया फैलता है, कोई भी बीमारी हो सकती है किसी भी कारण से। तो हमारा तो नगर परिषद प्रशासन से अनुरोध है कि लाइव अगर आप देख रहे हैं तो जो ये पानी जमा है हर समय का जमा रहने वाला, इस पानी को साफ करने की, सफाई करने की जो जहमत जरूर उठाएं, साफ पानी को हटाने के लिए हम मिट्टी डालें या फिर इसकी सफाई करें, जैसा भी हो उचित हो करें। प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि कृपया इस जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के बाहर है और ईदगाह के कब्रिस्तान के बिल्कुल बाहर है पानी जमा, पानी उसको ख़त्म कराएं, उसको साफ़ कराएं ताकि बीमारियां ना फैलें।